माय नेम इज ऋषिका वर्मा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, जिसके लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके हमने कुछ बेसिक चीजें लिख रखी हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले जो ये केमिकल नाम है ये क्या चीज है? अगर आपने लास्ट क्लास 9th में पढ़ा हो तो हमने वहां पर बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन करवाए हैं, मतलब थोड़ा बेसिक बेसिक करवाया है। हाँ, तो हमारा थोड़ा यहीं पर उसका थोड़ा सा डीप है कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है। हमारे फर्स्ट चैप्टर में 5 तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन और भी, ठीक है, कि ये रिएक्शन क्या होती है और इनसे कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? केमिकल, केमिकल मतलब कि उनका केमिकल फॉर्मूला प्लस उनका केमिकल सिंबल और उनका नाम। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं जो हमारे रिएक्शंस में काम आएंगे। स्टूडेंट्स, H2O वाटर का होता है, ये सभी को पता है। ये H2O वाटर का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है, जो कि आई थिंक सभी को पता है। उसके बाद H है, मतलब कि H क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, O ऑक्सीजन होता है, Li लिथियम होता है, Na सोडियम होता है, K पोटेशियम होता है, Rb रुबिडियम होता है, Ca सेशियम होता है, Fr फ्रेंशियम होता है, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sc स्ट्रोंटियम, Ba बेरियम, B बोरोन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, Fl क्लोरीन, Cl क्लोरीन, Zn जिंक, Fe आयरन, Hg मर्क्यूरी, Pb लेड, Pd पैलेडियम, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, I आयोडीन। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इन्हें अच्छे से कहीं भी नोट कर लीजिए। आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर मेरे चैनल मतलब मेरे यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।